नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तेगरे नगर परिषद के वार्ड संख्या 7 के क्षेत्रीय विकास एवं मूलभूत समस्याओं के आकलन के साथ ही वार्ड के सर्वांगिक विकास को लेकर तेगरा पश्चिम वार्ड पार्षद मुकेश सिंह के आवासीय परिसर में बुधवार को आम सभा का आयोजन वार्ड पार्षद मुकेश सिंह की अध्यक्षता में हुई। जिला आम सभा में पूरे क्षेत्र के जल जमाव से संबंधित स्थल चिन्हित करने, जल निकासी हेतु नाला निर्माण, गली नली निर्माण, आवास योजना, सोलर लाइट की व्यवस्था के लिए सही लाभार्थियों का चयन, जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्ड बनवाने, प्रमुख जगहों पर शौचालय एवं टॉयलेट की व्यवस्था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन के साथ ही कैची मोर तक नाला निर्माण के अलावे विभिन्न योजनाओं पर चर्चा के उपरांत योजनाओं को चिन्हित करने पर पहल की गई। मौके पर उपस्थित मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कन्हैया कुमार ने कहा कि तेगरे नगर परिषद क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हम तमाम जनप्रतिनिधि को जनता ने आशीर्वाद देकर बेहतर काम करने का अवसर प्रदान किया है। हम लोग जनता के विश्वास को कायम रखते हुए सभी कार्य को समय सीमा के अंतर तत्परता के साथ जनता के हित में कार्य को मूर्त रूप देंगे ताकि क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके। वहीं अध्यक्षता करते हुए वार्ड पार्षद मुकेश सिंह ने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैं सेवक बनकर क्षेत्रवासियों का हर हमेशा उनके विश्वासों पर खरा उतरने का मेरा भरसकर प्रयास रहेगा। मौके पर अविनाश कुमार के अलावा भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। प्रस्ताव पारित किया गया जो इस प्रकार है, नली गली योजना, नल जल योजना, आवास योजना, स्ट्रीट लाइट योजना, बिजली पोल योजना, सोलर लाइट, डस्टबिन, शौचालय, हाई मास्क, आंगनबाड़ी केंद्र, अन्य